नमस्कार। और आज हम आपके लिए जो है द नोबल नेचर जो क्लास 12th की पोइम है उसका एक लॉन्ग आंसर यहाँ लेके आए हैं। तो पोइम के जब क्वेश्चन आते हैं मेन बोर्ड एग्जाम में तो वहाँ पर लॉन्ग आंसर तो हमसे पूछा जाता नहीं है, हमसे जो है 30 से 40 शब्द के आसपास का आंसर जो है वो पूछते हैं। वहाँ पर कक्षा 12 में हमारे पास जो है सिलेबस के अनुसार 5 पोइम शामिल है और 5 पोइम का जो वेटेज है वो 10 नंबर का है। यहाँ हमारे पास मेन बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 में से 3 क्वेश्चन हमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में डिवाइड होता है। तो इन द नोबल नेचर जो एक छोटी सी शॉर्ट पोइम है, इस पोइम का एक लॉन्ग आंसर यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, जिसको हम मेन थीम बोलते हैं। ये थीम बनाया है, बहुत ही आसान भाषा है और इतनी आसान भाषा है कि हर कोई बच्चा जो है इसको आसानी से लर्न कर सकता है, सीख सकता है, अगर वो थोड़ी सी कोशिश करे तो। अब यहाँ पर ये जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं टेक्स्ट बुक के, इन सब का आंसर जो है इस आंसर में शामिल है। तो शुरू करते हैं हम। आप ध्यान देना, द नोबल नेचर जो है बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी। बेन जॉनसन ने जो है यहाँ पर ओक और लिली के बारे में बताया था हमें। तो देखते हैं द नोबल नेचर जो ये कविता है हमारी, नोबल नेचर उत्तम स्वभाव जिसको हम बोलते हैं, टास स्वभाव, ये किस बारे में बातचीत करती है। व्हाट मेक्स ए मैन नोबल, कविता हमें बताती है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक इंसान को नोबल, उत्तम, श्रेष्ठ बनाती है। तो इन दिस पोइम, इस कविता के अंदर द पोइट जो कवि है ड्रा का अर्थ लेता है, क्या लेता है, 2 सिंबल्स, 2 संकेत जो है कवि यहाँ पर लेता है। ये 2 प्रतीक हो गए और वो प्रतीक हमारे पास प्रकृति से लिए गए हैं, एन ओक है और लिली है। तो ये दोनों प्रतीक जो है कवि के द्वारा प्रकृति से लिए गए हैं। तो पूरी पोइम जो है ओक पर और लिली पर ही आधारित है। द पोएट कंपेयर्स, अब यहाँ पर कवि जो है वो तुलना करता है, किसकी तुलना करता है, मेन्स डीड्स, एक इंसान के द्वारा श्रेष्ठ बनने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनकी तुलना जिससे करता है कवि, ओक से और लिली से तुलना करता है। तो हमारे कर्मों की तुलना, हमारे द्वारा किए गए कार्यों की तुलना कवि ने यहाँ पर ओक और लिली से की है। अब ओक के लिए क्या बताया है, ये ओक की सारी विशेषताएं, एन ओक ट्री, कि जो एक ओक का पेड़ है, डेट लिव्स, जो रहता है, जीवित रहता है 300 ईयर्स, 300 साल तक ओक का पेड़ जो है जीवित रहता है, उसकी उम्र है 300 साल की, इज मीनिंगलेस, और फिर भी क्या है, ये अर्थहीन है। जब हमने कोई पढ़ी थी जब वहां बताया था कि इस पेड़ से ना तो हमें फल मिलता है, ना फूल मिलता है, ना ये छाया देता है, अंत में यूं ही गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। बिकॉज क्यों अर्थहीन है, क्योंकि इट डज नॉट डू एनी सच थिंग्स, ये पेड़ जो है कुछ ऐसा कोई महान कार्य नहीं करता है, दैट इट कैन बी कॉल्ड वेस्ट, कि इसको क्या कहा जाए, वेस्ट कहा जाए। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करता ओक का पेड़, 300 साल तक रहा, 300 साल रहने के बावजूद भी जो है जनसेवा के लिए, परोपकार के लिए ओक के पेड़ के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया गया। तो इसलिए इसको किसी भी स्थिति में जो है हम वेस्ट नहीं मान सकते और ये अर्थहीन है, निरर्थक है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ओक के बाद द लाइफ ऑफ द लिली, लिली का जीवन आता है हमारे पास। तो लिली जो कुमुदिनी का फूल है ये मई के महीने में खिलता है और जिस दिन खिलता है उसी रात को ये नष्ट भी हो जाता है। तो इसका जो लाइफ स्पान है वो 1 डे 24 आवर्स का माना जाता है। इज वेरी शॉर्ट, तो इसका जो जीवन है वेरी शॉर्ट, बहुत अधिक छोटा होता है, और छोटा भी कितना होता है, 1 डे, केवल 1 दिन, 24 आवर्स का इसका जो है लाइफ स्पान पीरियड होता है। एंड नाउन एज द बेस्ट, और उसके बावजूद भी इसको बेस्ट के रूप में, बेस्ट मतलब श्रेष्ठ के रूप में कहा जाता है, माना जाता है। बिकॉज क्यों कहा जाता है, इट गिव्स प्लेजर टू द अदर्स, क्योंकि यह दूसरों को क्या देता है, आनंद देता है। लिली का फूल जो है दूसरे को प्रसन्नता देता है, इसके फूल को देखकर दूसरा आदमी जो है अपने हृदय के अंदर सुखद अनुभूति करता है। द पोएट वांट्स, अब इन दोनों जो ऑब्जेक्ट है ओक और लिली, इसके द्वारा जो कवि है वांट्स टू कन्वे, कन्वे का अर्थ होता है देना, व्यक्त करना, बताना, द मैसेज, एक संदेश हमें बताना चाहता है, देना चाहता है। इफ समवन वांट्स टू बी सुपीरियर, यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना है,
कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ तो आपको भी बनना है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये हाँ, यह आवश्यक नहीं है। श्रेष्ठ बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? टू लिव ए लॉन्गर लाइफ, एक लंबा जीवन जीना श्रेष्ठ बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 100 साल जिए तो ही हम श्रेष्ठ बने। ओके पेड़ के समान हम 300 साल जीते, सपोज करते हैं, या 100 साल हम जीते हैं और फिर उस लाइफ स्पान पीरियड में हम जो है कुछ नहीं कर पाते, तो फिर हम किससे श्रेष्ठ बनेंगे? उसके लिए लंबा जीवन जरूरी नहीं है। ए पर्सन बिकम्स ग्रेट, एक आदमी महान या श्रेष्ठ बन सकता है तब विथ हिज एक्शन, अपने कार्यों के द्वारा, जो कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं उन कार्यों के द्वारा वह श्रेष्ठ बन सकता है। नॉट लॉन्ग लाइफ, एक लंबे जीवन से कभी भी इंसान श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। हो सकता है 20 साल जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कार्य कर जाए कि उसको आने वाले 200 साल तक जो है सभी लोग याद रखें, उसका जीवन उस व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है जो 100 साल जीकर भी कुछ नहीं कर पाता। इस प्रकार से बहुत ही आसान भाषा में द नोबल नेचर का ये रोमांस तैयार किया गया है, और मेरी पूरी गारंटी है कि अगर इस पोएम से कोई भी प्रश्न आता है तो वो प्रश्न जो है उसका उत्तर इसके बाहर नहीं जाएगा। ये टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन या उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। व्हाट टू सिग्नल्स डज जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर, दो प्रतीक जो है कवि ने नेचर प्रकृति से लिए हैं वो कौन से हैं? वो हमारे पास है ओक एंड लिली। मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ओक, ओक की क्या विशेषताएं हमें बतानी है और लिली की क्या विशेषताएं हमें बतानी है। तो ओक की विशेषता यहाँ बता दी थी आपको, 300 साल तक देता है, तीन ओक का ये सब कुछ यहाँ बता रखा है, और लिली के बारे में भी यहाँ सब कुछ बता रखा है कि लिली का 24 आवर्स वन डे का लाइफ स्पान होता है, सभी को प्रसन्नता देता है, बेस्ट होता है। हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इंप्रेस अस, लिली जो एक दिन रहता है वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो देखो, वेरी शॉर्ट लाइफ वन डे एंड नाउन इज द बेस्ट। अब क्यों इंप्रेस करता है? बिकॉज इट गिव्स प्लेजर टू अदर, क्योंकि लिली जो है दूसरे को प्रसन्नता देता है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, अच्छा प्रश्न है कि कवि के अनुसार मानव का जीवन कब परफेक्ट पूर्ण श्रेष्ठ हो सकता है? ये अंतिम लाइन थी, यहाँ बताया था इट इज नॉट नेसेसरी टू लिव ए लॉन्गर लाइफ, लंबे समय तक जीना आवश्यक नहीं है। ए पर्सन बिकम्स ग्रेट, एक आदमी महान श्रेष्ठ हो सकता है इट इज एक्शन, अपने कार्यों के द्वारा। तो अपने जीवन में, अपने शॉर्ट लाइफ स्पान में अगर किसी ने अच्छे कार्य किए हैं वही आदमी श्रेष्ठ कहलाता है। हाउ इज लिली बेटर देन ओक, यहाँ पर कंपेयर किया गया दोनों में कि एक लिली जो है ओक से बेटर क्यों है, तो दोनों को मिला के लिख देंगे हम यहाँ पर, ओक के बारे में भी लिख देंगे और लिली के बारे में भी लिख देंगे, दोनों को बताएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा बेटर। और डिस्कस द मेन थीम ऑफ द पोएम द नोबल नेचर, और अंतिम क्वेश्चन है कि जो नोबल नेचर है इसका मेन थीम क्या है, ये पूरा थीम लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से लर्न करें, और उम्मीद करता हूँ कि लैंग्वेज जो है इसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो, इसको लर्न करने में किसी को कोई परेशानी आए, और अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे किसी भी क्वेश्चन के बारे में या पोएम के बारे में डिस्कस कर सकता है। धन्यवाद।